हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनी शो में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बिग अपडेट लेकर आया हूं जो कि एसएससी के बारे में। देखिए, एसएससी ने एक बार फिर एग्जाम्स के शेड्यूल को चेंज कर दिया है। यस फ्रेंड्स, जो कि एसएससी के जेई, स्टेनो और बाकी एग्जाम्स थे उनके शेड्यूल में चेंजेस किए हैं। तो इसके एग्जाम कौन सी डेट को होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, वो सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जी न्यूज़ पर नए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो वीडियो नीचे सब्सक्राइब बटन ओके कर दे, पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, जिससे हमारे जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस रिवीज शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जाम को ये शेड्यूल किया गया है, ये पूरा इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कौन सा एग्जाम कब है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोटिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारे इस ब्लॉग पेज पर जाकर इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, वो भी हिंदी में बिल्कुल आसानी से। ये पूरे शेड्यूल आपको इस पर बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या आया हुआ है। तो देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्विंग कंटेंट एग्जामिनेशन 2019 है। इसके लिए देखिए, पेपर वन जो कि सीबीई का है, इसमें आप देखिए शेड्यूल डेट जो कि पहले 27 तारीख को एग्जाम्स होने वाले थे, जो कि देखिए 27 से 30 तारीख तक, जो अब होंगे आपके 11 दिसंबर 2020 को, जो कैंडिडेट बिहार स्टेट के हैं उनके लिए। तो देखिए, जिनका एग्जाम सेंटर बिहार था उनके एग्जाम होंगे जो कि 11 दिसंबर को होंगे, और बाकी जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी के जो कि 27 तारीख से 30 अक्टूबर तक ही एग्जाम दिए जाएंगे। तो देखिए, अगला है कमांडेड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2019। देखिए, ये टीयर टू का सीबीई का एग्जाम है, जो कि देख सकते हैं आप, पहले जो एग्जाम डेट बताई गई थी 2 नवंबर से 5 नवंबर रखी गई थी, वो अब 15 नवंबर से 18 नवंबर इसकी एग्जाम शेड्यूल कर दिए गए हैं, यानी कि 15 से 18 तारीख के बीच ये एग्जाम होगा। अगला देख लीजिए, एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन पोस्ट पास 2020। तो देखिए, ये एग्जाम है जो कि पहले होने वाला था, जो कि 6 नवंबर से 10 नवंबर होने वाला था, वो अब 14 दिसंबर को होगा। जो एग्जामिनेशन बिहार के हैं, यानी कि जिनका एग्जामिनेशन सेंटर यानी एग्जाम सेंटर है जो बिहार को चुना हुआ है, उनके एग्जाम है जो कि अब 14 दिसंबर को, बाकी कैंडिडेट के पहले के शेड्यूल को द्वारा ही एग्जाम लिए जाएंगे। और देखिए, चौथा जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएसडी एग्जामिनेशन 2019 है, सीबीई का जो पेपर है, वो आपके 16 नवंबर से 18 नवंबर होने वाला था, जो अब 24 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। और देखिए, अगला है जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड क्वांटिटी सर्विंग कॉन्टेक्ट एग्जामिनेशन 2019 है, ये आपके 31 जनवरी 2021 थे से होने जा रहा था, जो अब आगे बढ़ा दिए हैं, ये आपके 21 मार्च 2021 को ये एग्जाम आपके लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा शेड्यूल, अब अभी जो चेंजेस किए हैं ये सभी डेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डेट्स आपको मैंने बता दी है। तो इसका नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी ब्लॉग पेज पर जाकर इसकी पूरी डेट्स आसानी से पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी न्यू ताज़ा अपडेट जैसे ही आती है उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दोस्तों में शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताएं, जिससे कि उसके बारे में हम वीडियो बना सकें।